हेलो एंड वेलकम ऑल। दिस इज लेक्चर ऑन कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। इस लेक्चर में हमें 46 से लेकर के 53 तक के आइटम्स को क्लियर करना है। कल किसी कंपलसरी रीजन के वजह से कल का क्लास नहीं हो पाया था, आज का क्लास भी लाइव नहीं हो पाया है और आज का रीजन था टेक्निकल, तो उसी चीज़ को अलग से रिकॉर्ड करके आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हम कंप्लीट करेंगे। इसमें 46 नंबर का है। पहला है एलिजिबल एंड इनएलिजिबल। देख लीजिए, पहले प्रोनाउंसिएशन लिख देता हूँ। ए ली जी बल, तीन बार में पढ़ते हैं इसे, ए ली और फिर जी बल। एलिजिबल का मतलब जानते हैं आप सब, योग्य होता है। और दूसरा जो इनएलिजिबल है, इसके पहले आपने एक वर्ड सीख लिया है, वह है एल ई जी ए बी एलिजिबल, जिसका हिंदी लिखा था पठनीय। आपने सीखा है, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स में सीखा है। तो जब लेजिबल वर्ड को निगेटिव करना होता है तो आई एल जोड़ देते हैं और बन जाता है ई लेजिबल। इसे ऐसे लिखते हैं, ई लेजिबल। इसका मतलब होगा हिंदी हो जाएगी अपठनीय, और फिर अस्पष्ट भी हिंदी होती है। तो जो हैंड राइटिंग आपको पढ़ने में समझ में नहीं आती है, उसे बोल देते हैं कि वह ई लेजिबल हैंड राइटिंग है, राइट। सो एलिजिबल का यूज किया, प्रिपेयर्डनेस इज द की टू एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी की हिंदी होती है योग्यता, और प्रिपेयर्डनेस की हिंदी होती है तैयारी। आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो तैयारी ही तो चाबी होती है योग्यता की, राइट। तो तैयारी योग्यता की चाबी होती है, इसको हमने लिखा। नाउ इलिजिबल की बात करते हैं। अ गुड प्रैक्टिस कैन एलिमिनेट इलिजिबल स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, लेख, लिखना, है ना, मतलब लेख चाहे लिखा हुआ चीज जो भी होता है उसे बोलते हैं स्क्रिप्ट। सो इलिजिबल स्क्रिप्ट मतलब अस्पष्ट लेख या अस्पष्ट अपठनीय लेख, ऐसा हो जाएगा। सो अ गुड प्रैक्टिस, अच्छा अभ्यास, कैन एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब होता है दूर करना, दूर करना। तो एक अच्छा अभ्यास दूर कर सकता है अस्पष्ट लेख को, ये इसका हमने यूज किया सेंटेंस में। तो कंप्लीट किया एलिजिबल एंड इलिजिबल। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन को पढ़ते हैं एक्सपैंड। डिफरेंस कहाँ पे है, स्पेलिंग में खाली डिफरेंस है, पी के बाद ए, पहले में ए है और दूसरे में ई है, इतना ही डिफरेंस है। पढ़ते हैं एक्सपैंड और दूसरे को पढ़ते हैं एक्सपेंड। एक्सपेंडिचर वर्ड तो आप जानते हैं, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च होता है। सो एक्सपेंड से ही एक्सपेंडिचर बना हुआ है। और एक्सपेंशन वर्ड भी आप जानते हैं, एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव, और एक्सपैंड से ही बना है जिसका मतलब होता है फैलना। एक्सपेंड का मतलब फैलना एंड एक्सपेंड का मतलब खर्च करना, सेंटेंस में यूज किया। एक्सपेंशन इज अन इंडिकेशन ऑफ डेवलपमेंट। इंडिकेशन की हिंदी होती है सूचक। एक्सपेंशन फैलाव विकास का सूचक होता है, फैलाव विकास का सूचक होता है। नाउ एक्सपेंड, एक्सपेंडिचर ऑन स्टडीज पेज मेनी फोल्ड। मेनी फोल्ड मतलब अनेक गुना। सो स्टडीज मीन्स पढ़ाई, पढ़ाई पर खर्च अनेक गुना चुकाती है। मतलब खर्च किया हमने एक रुपये, बहुत सारे पैसे हम कमाते हैं और योग्यता हासिल करके, तो एक रुपये जो खर्च किया उसका कितना गुना हमें मिलता है, यही है। सो एक्सपैंड और एक्सपेंड भी कंप्लीट किया। 48 नंबर की बात करेंगे तो ये है फार्दर। इसे पढ़ते हैं फार्दर, द पर इफ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और दूसरे को पढ़ते हैं फर्दर, फर्दर, राइट। सो आप देख लीजिए, आप पढ़ेंगे एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, फार एक एडजेक्टिव होता है जिसका कंपरेटिव फॉर्म होता है फार्दर, और दो फॉर्म होता है कंपरेटिव, फार्दर भी होता है और फर्दर भी होता है। सुपरलेटिव हो जाता है फार्देस्ट एंड फर्देस्ट। तो कंपरेटिव फॉर्म जो फार्दर फर्दर होता है, जिसे हम पढ़ेंगे अच्छा से एडजेक्टिव में, इसी को रखा गया है कन्फ्यूज्ड आइटम में यहाँ पे, फार्दर और फर्दर। फार्दर का मतलब दूर, फार का मतलब क्या होता है, दूर होता है और आगे होता है इसका मतलब। सो फार्दर का मतलब दूर और फर्दर का मतलब आगे यूज करते हैं सेंटेंस में। लिविंग फार्दर एनहांसेस अटैचमेंट। एनहांस का मतलब होता है बढ़ाना, अटैचमेंट का मतलब होता है लगाव, लगाव। सो लिविंग फार्दर, दूर रहना लगाव को
बढ़ाता है. यूज किया फर्दर. अ डिवोटेड मैन कीप्स प्रोसीडिंग फर्दर. एक समर्पित आदमी प्रोसीड मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, और फर्दर मतलब होता है आगे. तो दो आगे है तो एक ही बोलेंगे. एक समर्पित आदमी, डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित. एक समर्पित आदमी कीप्स प्रोसीडिंग फर्दर मतलब आगे बढ़ते रहता है. यहाँ पे हिंदी हो गई. 49th नंबर में आएंगे फोर्थ और फोर्थ. फोर्थ का मतलब होता है आगे, FORTH. और जो फोर्थ है एम, FOURTH, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ वाला, इसका मतलब होता है चौथा. समझ गए होंगे आप डिफरेंस फोर्थ और फोर्थ में. स्पेलिंग देख ध्यान रखिएगा. तो आगे का, अ स्टूडेंट गोज फोर्थ ऑन हिज पाथ ऑफ सक्सेस. गोज फोर्थ का मतलब क्या हो जाएगा, आगे जाता है, आगे जाता है. अ स्टूडेंट एक विद्यार्थी आगे जाता है. ऑन हिज पाथ ऑफ सक्सेस, अपने सफलता के पथ पर. विद्यार्थी अपने सफलता के पथ पर आगे जाता है, आगे बढ़ता है. आप जानते हैं चीज को, वह यूज किया. फोर्थ में चौथा, द प्रेस इज कॉल्ड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, लोकतंत्र. और आप जानते भी हैं है ना जीके में कि प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है. यही लिखा है हमने फोर्थ को यूज करके. तो आई थिंक यू डोंट हैव एनी डाउट. कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा. आगे हम चलते हैं और फोर मिलेंगे हमें. 50th नंबर, यह है एपिडेमिक और दूसरा है पेंडेमिक. पढ़ते हैं एपिडेमिक. हिंदी तो पता है आपको, और इसे पैन नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं पेंडेमिक. पेंडेमिक सर्वव्यापी महामारी. महामारी है और यहाँ पे देख रहे हैं ये भी महामारी है, लेकिन यहाँ पे सर्वव्यापी है. इसका मतलब हर जगह, जैसे कि अभी कोविड वाला है राइट. जैसे कि किसी पर्टिकुलर रीजन में कोई बीमारी होती है, पर्टिकुलर रीजन में ही है ना. वो हो सकता है कि किसी अपने इंडिया के किसी पर्टिकुलर स्टेट में, अच्छा किसी स्टेट के पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कोई पर्टिकुलर बीमारी है, तो वहाँ पे उस बीमारी को कहते हैं महामारी. लेकिन पूरे वर्ल्ड में अगर बीमारी है, वो अधिकतर देशों में बीमारी है, जैसे अभी COVID-19 आप जानते हैं, इसे बोलते हैं पेंडेमिक. तो एपिडेमिक छोटा क्षेत्र में होता है और पेंडेमिक बहुत विस्तृत क्षेत्र में होता है. ये डिफरेंस है दोनों के बीच. सो अन एपिडेमिक स्प्रेड्स इन अ पर्टिकुलर एरिया. जो इसका मीनिंग होता है ना, उसी को सेंटेंस में यूज कर दिया है कि महामारी एक विशेष एरिया में फैलती है. और पेंडेमिक जो है, पेंडेमिक स्प्रेड्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. पेंडेमिक पूरे विश्व में फैलती है और इसे ही कहते हैं, विशेष एरिया में जो फैलती है उसे कहते हैं एपिडेमिक, और जो पूरे विश्व में बीमारी फैलती है उसे कहते हैं पेंडेमिक. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इसे बोलते हैं मोरल और दूसरे को बोलते हैं मोराल. पढ़ते हैं कैसे, मोरल तो पढ़ना आसान है और इसे ध्यान रखना, इसे पढ़ना है मोराल. मोराल का मतलब मनोबल और हौसला भी, बात एक ही है, मनोबल कहे चाहे हौसला, ध्यान रखिएगा. सो मोरल मतलब क्या होता है, नैतिक. नैतिक मतलब कौन सा चीज उचित है अनुचित है, यह समझ के साथ हम उचित काम करते हैं. इस तरह का जो गुण है नैतिक वाला, जो पर्सन में होता बोलते हैं वो मोरल है राइट. तो मोरल से बनता है मोरलिटी. मोरलिटी की हिंदी होती है नैतिकता. नैतिकता होती है इसकी हिंदी. मोरलिटी की हिंदी होती है नैतिकता. सो बिगेट्स, बिगेट का मतलब होता है पैदा करना. तो नैतिकता पैदा करती है गुड बिहेवियर, अच्छे व्यवहार को. नाउ मोरल की बात करते हैं. इंस्पिरेशन इज द फाउंडेशन ऑफ मोरल. इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा. प्रेरणा मोरल मतलब हौसला का फाउंडेशन. फाउंडेशन मीन्स नींव होती है. प्रेरणा हौसला की नींव होती है. सेकेंड लास्ट है, सेकेंड लास्ट को, फर्स्ट टू को एक ही प्रोनाउंसिएशन है. इसे पढ़ते हैं लाइटेनिंग. पढ़ते हैं लाइटेनिंग. और लास्ट वाला का प्रोनाउंसिएशन है लाइटिंग. लाइट में ING लगा है, लाइटिंग. सिंपल सा लाइटिंग का मतलब आप जानते हैं प्रकाश व्यवस्था. जैसे कोई सेरेमनी होती है घर पे, तो वहाँ पे जो लाइट का अरेंजमेंट किया जाता है उसे कहते हैं लाइटिंग, प्रकाश व्यवस्था. रूम में भी जो पढ़ते हैं वहाँ पे लाइट रहती है, उसी को हम यूज किए हैं. गुड लाइटिंग इन रीडिंग रूम सेव्स आइज.
रीडिंग रूम मीन्स अध्ययन कक्ष, अध्ययन कक्ष में अच्छी लाइट या अच्छी प्रकाश व्यवस्था आँखों को बचाती है, आँखों की रक्षा करती है। नाउ जो फर्स्ट और सेकंड है दोनों का उच्चारण लिखी है लाइटेनिंग, लाइटेनिंग, बस टी के बाद ई आ गया है एक्स्ट्रा, पहले में, दूसरे में ई नहीं है। तो पहले लाइटेनिंग का मतलब होता है हल्का करना, हल्का करना, और दूसरे का मतलब होता है बिजली चमकना। ई नहीं रहेगा तो बिजली चमकना, ई रहेगा तो हल्का करना। सो टेक्नोलॉजी इज लाइटनिंग हार्ड वर्कलोड, वर्कलोड मतलब कार्य भार, कार्य भार, तकनीक कार्य भार को हल्का कर रही है, तकनीक कार्य भार को हल्का कर रही है। नाउ लाइटनिंग जो दूसरा वाला है जहाँ पे ई नहीं है, बिजली चमकना, लाइटनिंग इन द स्काई शोज नेचर पावर, आकाश में बिजली चमकना प्रकृति के पावर को, शक्ति को दर्शाता है। नाउ लास्ट वन दैट इज हेयर, हेयर, फर्स्ट को भी हेयर पढ़ते हैं और लास्ट को भी हेयर पढ़ते हैं, लेकिन जो बीच वाले है इसे हेयर नहीं पढ़ते, इसमें का एच साइलेंट होता है और पढ़ना पड़ेगा फिर ई आई आर, इसे पढ़ देंगे एयर। हिंदी तो लिखा है आपको, है ना, आप जेंडर में भी पढ़े कि एयर का एयरे से होता है, वहाँ पर बताया भी था कि एयर के साथ हम आर्टिकल एन का, अगर ए एन में से किसी का प्रयोग करने कहा जाए तो एन का प्रयोग करेंगे। सो ए है हेयर, एयर एंड हेयर, पहला हेयर मतलब बाल, मीराज कर्ली हेयर हैज बिकम हर आइडेंटिटी, मीरा के घुंघराले बाल उसकी पहचान बन गए हैं, है ना, आइडेंटिटी मीन्स पहचान आप जानते हैं, और कर्ली हेयर मतलब घुंघराले बाल। नाउ एयर मतलब उत्तराधिकारी, द बेस्ट पर्सन बिकम्स ऑन एयर, सबसे अच्छा आदमी उत्तराधिकारी होता है। बाहुबली मूवी देखते भी हैं आप लोग, है ना, उसमें जो पब्लिक है, पब्लिक चाहती है कि जो बेस्ट पर्सन है बाहुबली वही उसका उत्तराधिकारी हो, और देख भी रहे मूवी में क्या हुआ है। तो हर जगह यही होता है कि जो उत्तराधिकारी एयर होना होता है बेस्ट पर्सन को बनाया जाता है, ठीक है। नाउ हेयर मीन्स खरगोश, अ हेयर इज अ स्मॉल मैमल, मैमल वर्ड जो है मैमल, मैमल का मतलब होता है स्तनपाई या स्तनधारी, ठीक है। तो खरगोश छोटा स्तनधारी या स्तनपाई होता है। इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है 46 से लेकर 53 तक, 8 डेली 8 करते हैं, आज का लाइव क्लास में ये 8 नहीं हुआ था, इसी को हमने भरपाई कर दी अलग से रिकॉर्ड करके। होप आप सबके लिए यूजफुल होगा, आप इसको लाइक करिएगा, कमेंट से कुछ पूछना होगा कमेंट करिएगा, और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।